सरोज क्या हुआ? हमें एक डाउट हो रहा है। क्या डाउट? न जाने क्यों हमें जेल लग रहा है कि हमारी लिपस्टिक लाइट हो गई है। जेल के लाने हम वापस आ गए। अब इतनी सारी सीढ़ियां चढ़ के कौन जाके देखेगा? तुम बताओ ना, सही है? बिल्कुल सही है। लाइट तो नहीं हुई ना? ओह, फिर दी गए। चलो हम जाके आते हैं। कहाँ हो गया तुम्हें? अरे रो नहीं सरोज। हम कितने दिनों बाद मिल रहे हैं प्रदीप। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हम मिल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सपने जैसा लग रहा है। नहीं नहीं सरोज जी, तुम कितने बदल गए हो प्रदीप। याद है जब हम कुछ भी नहीं भूले हम सरोज, सब याद है हमें। लेकिन तुम भूल गई हो सरोज कि वो दिन अलग थे और ये समय अलग है। जानते हैं हम हमारा साथ भले ही छूट गया हो, पर ऐसा एक दिन नहीं बीता जब हमने तुम्हें याद ना किया हो। ऐसी एक रात नहीं बिताई जब हमने तुम्हारे सपने ना देखे हो। हाँ, हमारा समय हमारा साथ भले ही 8 दिन का था, पर नहीं, आठ दिन का नहीं था। 8 दिन, 4 घंटे और 16 मिनट। बहुत ही गुलाबी दिन हुआ करते थे। एक दूसरे का साथ हमको बहुत अच्छा लगता था। याद है सरोज तुम्हें कि हम लोग घंटों दूर दूर तक पैदल चला करते थे? हाँ याद है, इतनी दूर चले जाते थे साथ में कि पता ही नहीं चलता था। हमारी अम्मा ने तो हमें मना ही कर दिया था कि नहीं, किसी भी यूथ फेस्टिवल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे बाबूजी ने कहा नहीं, चाहे कितनी भी तंगी हो, आने जाने का कछु भी खर्चा हो, हम आओ, पप्पू चाहेगा होगा वो फैसला। हमारे बाबूजी तो कमाल ही हैं। ये वही दिन थे सरोज जब हमारी कुमकुम ने हमसे अपना मुंह मोड़ लिया था। एकदम अकेले हो गए थे सरोज हम। हमारा कॉन्फिडेंस एकदम खत्म हो गया था। तब तुम्हारी नजर ने हमें हौसला दिया था, आसरा दिया था, सहारा दिया था। सरोज सब याद है हमें। तो हम कौन सा भूल गए प्रदीप? उस वक्त हमने थोड़ी सी और हिम्मत दिखा दी होती तो आज हम स्वीटी की जगह होते। नहीं नहीं सरोज नहीं, वो दिन अलग थे। उन दिनों को याद करके हम आज के दिन का अपमान नहीं कर सकते। हम हमारी स्वीटी जी के साथ खुश हैं। प्रदीप, पर हम खुश नहीं हैं। हमारा ससुराल एक कैद जैसा है। हम इस शादी में आना भी नहीं चाहते थे, पर हमें वहां से भागना था।
और सिप्रियानी की एक और वजह थी कि हमें ये उम्मीद थी कि हम तुमसे मिल लें। अच्छा हुआ हम यहीं तुमसे मिल लिए, वरना हम स्वीटी से कहने ही वाले थे कि प्रदीप गुप्ता जिसकी जिसकी लकड़ी की टाल है उसका पता करवा दूं। पता है सरोज, जब तुमने हमें मना किया था ना, तो हम एकदम टूट गए थे, एकदम अकेले हो गए थे। किसी भी चीज में हमारा मन नहीं लगता था। हम बार बार भगवान से प्रार्थना करते थे, उनसे पूछते थे कि जब हमें और सरोज को एक नहीं करना था तो हमें मिलाया ही क्यों। सरोज, पसीना पसीना हो गया, हमारा सारा मेकअप खराब होगा। जेके लाने टचअप कर रहे हैं। नहीं तो बिल्कुल सही है। अब स्वीटी, हम सोच रहे चलो नीचे चलते हैं। हाँ हाँ। नहीं नहीं सरोज, अभी तो ना हम अपनी बॉडी को रेस्ट देंगे। स्वीटी, अब हम सोच रहे थे कि नीचे चल के। नहीं 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 सरोज, हमें नहीं जाना। और वैसे भी तुम अब घर पे तो सभी को जानती हो ना। तुम चले जाओ, हम तनक आराम करेंगे। कैसे कि हमारे पप्पू जी को ना हमारा उतरा हुआ चेहरा बिल्कुल पसंद नहीं। सही में? और नहीं तो का, हमारे पप्पू जी अगर हमारा उतरा हुआ चेहरा देख लेना तो वे खाना नहीं खाते। बहुत ही अच्छी किस्मत है तुम्हारी स्वीटी। वो तो है। तुम्हें पता है हम हमारे पप्पू जी से कैसे मिले थे? नहीं, कैसे मिले? ओ सिट, हमने तुम्हें अभी तक बताया नहीं। तुम्हें याद है सरोज, बचपन से ही हमें हीरोइन बनने का शौक था। हाँ। हम ना बम्बई भाग गए थे। हम हीरोइन बन जाते सरोज, पर हमारे पापा हमें पकड़ के वापस ले आए। उन्होंने कहा अब तुम्हें शादी कर देनी चाहिए। इतने सारे लड़के ढूंढे, कोनो ने शादी करने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। फिर हमारी जिंदगी में आए हमारे हीरो, हमारे पप्पू जी। पप्पू जी ने कहा हम करेंगे स्वीटी तुमसे शादी। सही है। और पता है हमारे बाबूजी, बाबूजी ने कहा था हमारे घर आएगी तो स्वीटी ही बहू बनकर आएगी। अब कछु जोर जबरदस्ती नहीं हुई? मतलब हमने तो सुना था कि तुम्हारे पापा ने पप्पू जी को दुकान दिलवाई और गुड़िया की शादी का भी वादा किया। नहीं 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 सरोज, ऐसा कछु भी नहीं है। ये दुकान तो हमारे पप्पू जी की मेहनत और हमारे बाबू जी के आशीर्वाद से है। और रही बात गुड़िया की शादी की, तो काई नहीं करेंगे कोशिश हमारे पापा। हमारी शादी भी तो करवाई है, गुड़िया भी तो उनकी मौड़ी है। सही है। पता है सरोज, अगर हमारी शादी किसी और घर में हुई होती ना, तो हमारे ससुराल वाले हमें बंबई भग जाने के इतने ताने मारते कि हमारा तो रहना भी मुश्किल हो जाता। पर हमारी अम्मा है ना, हमें इतना प्यार करती, को हमें गलत सब नहीं बोल सकता जा घर में। बहुत ही अच्छी है वो। स्वीटी, पप्पू है का बेटा? नहीं बाबूजी, इतने नहीं
तुम्हारे पास 500 के छुट्टे हो तो दे जाओ। जी बाबूजी, अभी रात है, हम आते हैं। हाँ भगवान, गई सूटी जी। सरोज जी सब ठीक नहीं है? हाँ हाँ, हम जा रहे हैं। ठीक है भाभी। ओ तेरा कुड़िया सरोज, भाभी कितने हैं हमारी? नीचे गई हैं। उनके पास ना बहुत सारी टॉपियां हैं, विदेशी वाली। अरे वाह जिंजी, कितनी बढ़िया बैग देखी जाने तुम्हें। हाँ भैया, तुम? हाँ हम। आप गधा बने बैठे हो या फिर घोड़ा? घोड़ा बन के बैठे हम, गधा बन के काय बैठेंगे? घोड़ा बन के काय? काय? हम भी तो यही सोच रहे कि काय है। और कुड़िया जी, हम सिर्फ सोच नहीं रहे जी, तो हम सोचत रहते हैं हमेशा। काय? कुड़िया तुम हमें वचन दो कि तुम को नहीं बताओगी कि हमको ये बीमारी लग गई है। हाँ भैया, हम वचन दे दो हमने। तो ये हुआ कैसे? मुझे तो हमको भी नहीं पता कि ये हुआ कैसे। बस हमको तो ये पता है कि हम कभी इंसान से घोड़ा बन जाते हैं, कभी घोड़ा से इंसान बन जाते हैं। ओ भैया, ऐसी भी कोनो बीमारी होता है का भैया? होता है ना, होता है, तभी तो हमको ये भैया है। हाँ। पर गुड़िया कौ से नहीं बोलना तुम। हाँ भैया, हमने तुम्हें वचन दो है ना, तो बाबा की चिंता काय कर रहे? पर हमें तो ये चिंता हो रही कि अगर आप घोड़ा बन के कितों निकल लिए तो क्या हुई है? इतनी भोली है। आज रात को छत पे इंतजार करेंगे। क्या छत पे इंतजार करेंगे? नहीं नहीं नहीं, जी 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 नहीं हो सकता सरोज, ये सब ठीक नहीं है। हम नहीं मिलने वाले। काय, हम तुम्हारे साथ मन की बात नहीं कर सकते अपनी? मन की बात? जे साड़ी देखिए, चंदेरी साड़ी है। जे साड़ी पहन के जब आप लोग सड़क पे चलेंगे, सब आप ही को देखेंगे, हम बता रहे हैं। अरे बाप रे, क्या होगा? कहीं गुड़िया रानी को सोच में दिख रही? बाबूजी, जब इंसान घोड़ा बन जाता है तो भाई कैसो फील होत हुई? घोड़ा? इंसान बहुत लाल में घोड़ा बना थे बेटा, अपने बच्चन के लाने। आओ, जैसे हम बन जाते हैं तुम्हारे लाने, कैसे सवरे में घुमाते हैं तुम्हें अपनी पीठ पे बिठा के। हैं? तो मतलब ये कोनो बीमारी नहीं हो? बीमारी? हैं? बीमारी काहे हुई है? अरे वाह, फिर ठीक है। का?
अरे बाप रे, गिरा ले। पप्पू जी, ये क्या कर रहे थे आप? छुप के बातें सुन रहे थे? ये सब खराब आदतें नहीं सीखो हमसे? काहे नहीं, पूरा दिन अम्मा अम्मा कहता रहता है, अम्मा का चमचा, तो ये काहे नहीं सीखे? अम्मा, अम्मा कितने चले गई थी आप? हम तो वो झांके देख रहे थे कि आप हो कि नहीं हो, अम्मा जी देख रहे थे बस। तो पूछ लेते, जब शर्म वाली का बात है, जब इनके साथ में नाचते कूदते हो तब तो नहीं आज शर्म है? पायल लाए हैं सरोज के लाने, दिखाओ हमें। चलो हमें भी दिखाओ अम्मा। हे भगवान, अब सरोज के लिए पायल आ रही। भैया आप डर रहे थे ना कि वो बीमारी है? बिना कोई बीमारी नहीं है, वो तो लाड है। लाड लाड है वो जो हमको पता ही नहीं था। प्रदीप, एक मिनट, क्या हो गौतम है? काय हमारे लिए विकट स्थिति पैदा कर रही? हमने तुमको मना किया था ना कि हम तुमसे मिलने नहीं आ सकत, तो मतलब नहीं आ सकत हमको? काय बुला लिया तुम नहीं थे? तुम्हारे मन ने मना किया था पर हमने नहीं। धीरे धीरे, हम तुमसे बात करना चाहते हैं प्रदीप। बोलो क्या बात करनी है? तुम गुस्सा काय कर रहे हो? धीरे धीरे बोलो, पहले तो गुस्सा काय कर रहे हैं? ये हमारा घर है, अगर इतने किसी ने भी देख लिया ना कि हम लोग इतने इस समय रात के 12 बजे छत पे एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं तो मुसीबत हो जाए। तुम्हारा बिल्कुल मन नहीं करता हमसे बात करने का, हमारे पास बैठने का, हमसे ये पूछने का कि हम कैसे हैं। करता है, करता है हमारा मन तुमसे बात करने का, तुम्हारे पास बैठने का, तुमसे पूछने का कि तुम कैसे हो, और ये भी पूछने का तुम्हारे घर वाले कैसे हैं, तुम्हारे सब कैसे हैं। लेकिन सरोज, ये बात तुम समझो कि ये ठीक नहीं है। खैर बताओ, बताओ क्या बात करनी है तुम्हें हमसे? हम हमारे पति से अलग होना चाहते हैं। काय अलग होना चाहती हो तुम अपने पति से? काय कि हम घुट घुट के जी रहे हैं माँ, हमारी सास हमारी ननन बस मुसीबत कर रही है हमारे लिए माँ। बात करने की कोशिश करो अपनी सास से, ननद से, सब कुछ ठीक करने की कोशिश करो सरोज। जी बहुत कोशिश की पर कुछ ठीक नहीं हो पाएगा, और कैसे जिएंगे जिंदगी हम माँ? और अभी तो हमने ये भी देख लिया कि अगर यहाँ होते तो हमारी जिंदगी हंसते खेलते बीतती। अरे सरोज, हमारी बात सुनो, सुनो 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 सुनो, नहीं 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 रो नहीं, बस बस बस
पास यही असलियत थी तुम लोगन की? बाबूजी असल में वो खोल भी कैसे पा रहे हो पप्पू हमारे सामने? मतलब इतने आने के लिए ये सब नाटक रचा था तुमने, ये सब चाल चली थी तुमने? नहीं बाबूजी। बाबूजी सिर्फ हमें हमारे बच्चे बोल सकते हैं और को नहीं।